बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। पहले खबर फिर असर। तह से तहकीकात तक, जन जन से जुड़ा मुद्दा चाहे कुछ भी, हम पहुंचेंगे हर खबर की जड़ तक। देखिए मेरे साथ मुद्दा। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। मुद्दे अनेक हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं गरीबों के मुंह से निकाले जा रहे निवाले की। वह निवाला जिस पर गरीबों का पहला हक है, लेकिन इसे भी बिचौलिए आपूर्ति विभाग और अफसर डकारे जा रहे हैं। दरअसल गरीबों के निवाले पर डाका डालने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राशन पर खुलेआम हो रही कालाबाजारी की शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन ये सभी रद्दी की टोकरी की शोभा बढ़ा रही हैं। गरीब जनमानस निवाले को तरसता जा रहा है और मुंह से निवाला छीनते देख आपा भी खो रहा है, लेकिन उसका दर्द समझने वाला सिस्टम अपनी संवेदना खो चुका है। यदि ऐसा ना होता तो मुख्यमंत्री पोर्टल, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी व आपूर्ति विभाग से की गई शिकायतों का कुछ तो निस्तारण होता। ऐसी एक शिकायत पर आपूर्ति निरीक्षक जांच के लिए ग्राम समयपुर पहुंची जरूर, लेकिन जांच पूरी न हो पाई। दरअसल ग्रामीणों को उम्मीद थी कि उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन ऐसा न होने पर वहां मारपीट की नौबत आ गई। ग्रामीणों ने पूर्ति निरीक्षक पर ही मिलीभगत का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शित किया। राशन डीलर व कालाबाजारी का चोली दामन का साथ रहा है। संभवतः यही कारण है कि समय समय पर कुछ राशन डीलर व आपूर्ति विभाग की मिलीभगत से गरीबों के निवाले पर डाका डालने की खबरें आती रही हैं। देश के कुछ राज्यों में इस कालाबाजारी को रोकने के लिए ही डिजिटल राशन कार्ड शुरू करने की योजना बनाई गई है। इसी क्रम में सरकार EPOS इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल सेवा भी शुरू करने पर विचार कर रही है। EPOS में नए कार्ड के लिए उपभोक्ता को फिंगरप्रिंट देने होंगे। मशीन में उपभोक्ता के फिंगरप्रिंट अपलोड होने से जब भी राशन लेने उपभोक्ता डीलर के पास जाएगा, उसका सारा लेखा जोखा आपूर्ति कार्यालय को मिल जाएगा। ये वो योजना है जिससे कालाबाजारी पर काफी हद तक नियंत्रण रखा जा सकेगा, लेकिन अभी तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। ताजातरीन मामला मेरठ के रजपुरा ब्लॉक के ग्राम समयपुर का है। आज बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया। इसमें आरोप लगाया गया कि समयपुर में सस्ते गल्ले की दो दुकान वेदपाल व जगेंद्र के नाम पर हैं, लेकिन इन दोनों ही दुकानों को गजेंद्र नामक व्यक्ति चला रहा है। हमारी संवाददाता विजेता मौके पर बात कर रही है पीड़ितों से, आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ कमिश्नरी चौराहे के पार्क में खड़ी हूँ और यहाँ पर समयपुर गाँव के निवासी इकट्ठा हुए है। यहाँ पर इन्हें राशन नहीं मिल रही है, इस वजह से ये यहाँ धरने पर बैठे हैं। आइए जानते हैं इनकी समस्या के बारे में इनसे। आपका नाम? भास्कर शर्मा मैम। आप यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? मैम, समयपुर गांव से हैं जी हम लोग। वहाँ पर जो है जी राशन, दो राशन एजेंसियाँ हैं और उसमें से जो है किसी का भी वितरण सही से नहीं किया जा रहा है और छः महीने का राशन मतलब बाहर से बाहर बेच चुके हैं और कोई भी जो है, और बच्चों से जो है जी राशन डीलर ज़बरदस्ती बच्चों से जिन्हें जानकारी नहीं है उनसे अंगूठा लगवा लिया जाता है और ये जो है पीछे रिकॉर्ड भेज दिया जाता है कि राशन का बढ़ चुका है, जिसमें जी ये ऊपर तक हमारे जो खाद निरीक्षक हैं, ये पूर्ति निरीक्षक हैं, ये इन तक मिली भगत है और वहाँ पर राशन कार्ड कटने की भी जी ज़्यादातर समस्या आ रही है, क्योंकि जी वहाँ पर प्राइवेट कर्मचारी लगे हुए हैं, उन्हें 500 रुपये दे देता हमारा डीलर जो है और इस पर जो है जी इसकी कोर्ट की जी फर्जी कॉपी बनवाए हुए हैं। इसका नाम है जी गजेंद्र आधार कार्ड के द्वारा और जो एजेंसी चल रही है वो जगेंद्र के द्वारा चल रही है। अब जो है तीन एजेंसियां चला रहा है, अब दूसरे गांव की, दो हमारे गांव की, जिसमें से कोई सी भी इसके नाम नहीं है। तो जी अब इसका जो है 6 महीने का इन्हें राशन बेच चुका है, तो इसके खिलाफ जो है हम जाँच के लिए तहसील दिवस में गए थे। वहाँ पर हमें भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया। दो जने थे वहाँ पर हम, मेरी विकलांग महिला हैं, उनको जो है अब से मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे जी शिकायत डाली हुई है, उसका कोई जवाब नहीं देती हैं नीता बाली जी। और जो उसके बाद जो है तहसील दिवस में मैं तीसरी बार तहसील दिवस में गया हूँ, वही मेरे साथ जो पहले होता था वही हुआ, वही इन्होंने फिर से तू तड़ाक करते हैं, भगा दिया जाता है। तो उसमें जो है अब ये नीता बाली जी बहुत ज़्यादा शिकायत के बाद गाँव में गई और वहाँ जाकर इन्होंने, इनके साथ कोई भी नहीं, किसी की भी इन्होंने शिकायत नहीं सुनी, ना उनकी शिकायत अभी तक निस्तारण हुआ है। और राशन कार्ड के अकॉर्डिंग एक महीने में कितना राशन आपको मिलना चाहिए? हमारा जो था जी, हमारा 25 किलो राशन है वो जो है, और वो हमारा 3 महीने से हमें बिल्कुल नहीं दिया गया है
और जी 25 तारीख का कैसे ना कैसे बहाना बना के नेटवर्क नहीं आ रहे या मशीन नहीं चल रही या छुट्टी है या मेरे बच्चे बीमार हैं, 25 तारीख निकाल दी जाती है और 25 तारीख को मशीन बंद हो जाती दिखा है जी, जो हमें जानकारी मिली है। तो इस ये जो है और 25 तारीख होने के बाद फिर राशन नहीं दिया जाता, ये हुआ है। और ना बिना किसी प्रधान और जो जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं वो है जी अभिषेक रस्तोगी या श्रीवास्तव, वो बिना उसके ही जी वेरीफाई भी कर रहे हैं कि राशन बट रहा है, लेकिन जी किसी को मिला नहीं है गाँव में 6 महीने से यही हो रहा है। क्योंकि जी अब बिना प्रधान की मोहर के भी वेरीफाई करा लेते, पता नहीं मतलब यहाँ तहसील लेवल पर कौन है जो वेरीफाई कर देते हैं या ब्लॉक लेवल पर कौन है जो वेरीफाई कर देते हैं। और हाँ जी शाम के समय हम ग्राम प्रधान से करके आए हैं शिकायत, तो उन्होंने ये कह दिया कि मैं लिख के तो देने का नहीं हूँ लेकिन आपके साथ हूँ। ग्राम प्रधान का राकेश तोमर नाम है जी। यह भी जानकारी में आया है कि कालाबाजारी का विरोध करने पर वह यानी गजेंद्र महिलाओं तक से गाली गलौज करता है। इसकी एक वीडियो भी ग्रामीणों ने बनाई है जिसमें पीड़ित व परेशान महिलाओं के अलावा यह व्यक्ति भी गाली गलौज करते हुए साफ दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं पहले वह वीडियो। और पर्ची काट कर मेरे अनाज नहीं दिया। किसका किन्ना काटी पर्ची मेरी? अरे किन्ना काटी पर्ची? मैं क्या करता? या मैं क्या करता? देवेंद्र की है काटी। अच्छा ए मेरी समझ में नहीं आ रही, यूं कारदार के मेरी नहीं दिमाग मेरा अनाज खागा। नाम ना है इसका, गल जगह बैठे कीड़े पड़ जाएंगे। अरे हमारे सुन ले बात, और ये राजपूतों आप भुक्के समझे नहीं, ये भीख मांगना हुआ तेरे से। अरे तू अपने घर को जा, तेरी रिपोर्ट करनी मुझे। अरे कर दे, हमारे मुंह तो फर्क नहीं पड़ा तेरे कहने से, फड़ जाएगा मैं फाड़ दूं मुंह सबका। जा घर को जा, एक साल हो गया। अरे घर को चले जा, घर को चले जा। अरे लिया बुढ़िया को भी लिया तू, बुढ़िया को खराब करने की मेरा ले बल्ले की बात कर रही है। अरे तू सोच रही हो तो शिकल देख देख क्यों देवे इन अनाज किने? अरे तू बड़े खल्ले इन्हें सब शिकल के ऐसा मैं अपनी दुकान का राशन बांटता हूँ। वो फौजी भाई मैं कर तू ही मेरी कार धारक, मैं अपनी दुकान का राशन बांटता हूँ अपनी का, मेरी मर्जी है, अपने कारधार को भी दूंगा, तुझे क्यों दूंगा मैं? क्यों बबलू का इतना बांट रहा तू? ये समझा रही नहीं समझा रही, ये सीमा कर रही है, खाली बकरी उल्टी सीधी। इस पत्र में ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि उन्होंने इस कालाबाजारी की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल, मंडलायुक्त व डीएम से कई बार की है। डीएम को फोन पर भी अवगत कराया लेकिन कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। शिकायत में यह आरोप भी लगाया गया है कि आपूर्ति निरीक्षक अनीता बाली वहां जांच के लिए आई थी लेकिन वह भी उस व्यक्ति गजेंद्र का पक्ष ले रही थी जिस पर वहां शोर शराबा हुआ और आपूर्ति निरीक्षक ने मारने के लिए शिकायतकर्ता भास्कर शर्मा पर हाथ भी उठा लिया जिस पर वहां हंगामा बढ़ गया। इस बीच आपूर्ति निरीक्षक ने एसडीएम को फोन कर सारे वाक्य की जानकारी देते हुए जांच करने में असमर्थता जता दी। बकौल अनिता बाली एसडीएम सदर ने उन्हें वापस आने के लिए बोल दिया जिस पर वह आ गई। आइए देखते हैं वह वीडियो। कल पेपर में छपेगा सर, ये गांव में सारे आदमी का लड़ाई है, सिंगल जो औरत का लाइक वही मेरे से अपना डाल रही है, जांच की करी मैं वापस जा रही हूं सर। अरे कौन हां ठा रही है यूं? नहीं ठा रही, नहीं ठा रही चाची, नहीं ठा रही, खाने चल, खाने चल, खाने चल, अरे खाने चल, खाने ना 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 ना। अरे मुझे बता तू सुधरी है चाची? अरे हम तुम्हारा भला करने के लिए आए। अरे हम तुम्हारा भला करने के लिए आए। बिना समाधान के जा रही है, बिना समाधान के, ठीक है? यदि मेरे दो बच्चे हैं, मैंने आज तक नहीं ले आ रहे, इन्होंने नहीं ले सकते, रिश्वत नहीं ले सकते, मैं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ? अरे मैं तो थाने जा रहा हूँ ना, मैं मार रही है, बताओ यार अधिकारी बन के हाथ उठा रही, उठाया हाथ उठा रही, कौन कौन है हाथ उठा रही? इस बारे में आपूर्ति निरीक्षक अनिता बाली से बात की गई तो उनका कहना था कि वह जांच के लिए गई जरूर थी लेकिन ग्रामीणों ने उनसे ही गाली गलौज शुरू कर दी जिस पर उन्हें बगैर जांच के ही वापस आना पड़ा। उनका यह भी कहना है कि उनकी गाड़ी रोकने का भी प्रयास किया गया हालांकि खुद के बीमार होने की बात कहते हुए वह ज्यादा बात नहीं कर पाई। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिला आपूर्ति विभाग हमेशा से ही विवादित रहा है। हाल ही में पेट्रोल व डीजल के काले खेल में भी आपूर्ति विभाग का संरक्षण खुलकर सामने आया था।
जहां यह समझा जा रहा था कि इस घोटाले के खुलासे के बाद जिला आपूर्ति अधिकारी विकास गौतम पर कार्रवाई तय है, वहीं शासन ने उनका मुजफ्फरनगर तबादला कर दिया था। विकास गौतम का शासन में कितना प्रभाव है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विकास गौतम ने तबादले के बाद भी मेरठ का चार्ज छोड़ा नहीं और मुजफ्फरनगर का ग्रहण नहीं किया। इतना ही नहीं, वह काफ़ी दिनों तक भूमिगत भी रहे। अंततः शासन को उन्हें खासी किरकिरे होने पर निलंबित करना पड़ा था। इस खबर में इतना ही। जन जन से जुड़े ऐसे ही मुद्दों को हम उठाते रहेंगे। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।